चैन से मरने देगी, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हम प्यार न करने देगी। नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ यूपी। इस मोहब्बत ने कितने दिल तोड़े, कितने घर छूटे, जाने क्यों लोग फिर भी मोहब्बत किया करते हैं। बर्तन साफ करते हुए इस गाने को गाने वाली महिला, जो कि एक समय में सोशल मीडिया पर इतना फेमस हुई, हर किसी ने उस महिला की गायकी की इतनी तारीफ की कि उसे इंडियन आइडल जैसे मंचों तक ने बुलाया और अपने मंच पर गाने का मौका दिया। जी हाँ, इस गायिका का नाम फरमानी नाज है। फरमानी नाज ना सिर्फ हिंदी गाने गाती हैं बल्कि वो भजन और कीर्तन से जुड़े गाने भी गाती हैं, लेकिन उनके ये सुरीले गीत अब कई कानों में चुभने लगी हैं और इतने चुभने लगे हैं कि फरमानी नाज को जान से मारने तक की धमकी देने लगे हैं। बता दें कि गायिका फरमानी नाज शनिवार दोपहर रतनपुरी थाने पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत में उन्होंने पुलिस को बताया कि 25 मार्च 2018 को उनका निकाह मेरठ जिले के गाँव हसनपुर निवासी इमरान से हुई थी। निकाह के बाद से ही ससुराल वाले उन्हें प्रताड़ित करने लगे। इसी बीच उनके बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम अर्श है, जिसे जन्म से ही गले संबंधी समस्या है, जिसके चलते ससुराल वालों ने माँ बेटे दोनों को दुत्कार दिया। इसके बाद फरमानी नाज अपने बेटे को लेकर मायके चली गई। बीमार बेटे के इलाज के लिए उन्होंने गाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ यूट्यूब पर तेजी से लोकप्रिय हुई और वो आज भी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। फरमानी के मुताबिक उनके पति इमरान फरमानी के गाने का विरोध करता है, गाना गाने के लिए मना करता है और उसके लिए इमरान फरमानी को मानसिक रूप से यातना भी देता है। फरमानी का आरोप है कि ससुराल पक्ष के सलीम, तस्लीम और अन्य लोग भी उसे गायकी बंद करने का दबाव बनाते हैं और ना मानने पर उसे जान से मारने तक की धमकी तक दे डालते हैं। और बीते दिनों से लगातार पति इमरान फ़ोन पर फरमानी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसके खिलाफ फरमानी ने हिम्मत दिखाई और पुलिस थाने पहुंचकर इस पूरे मामले में केस दर्ज करवाया, साथ ही खुद की सुरक्षा के लिए भी गुहार लगाई। यूपी पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की बात कही है। अब आप भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे इमरान जैसे लोग, जो पहले अपने पति होने का फर्ज अदा करने से पीछे भागते हैं, पत्नी को घर से निकाल देते हैं, उसे नन्हे बेटे के साथ मरने के लिए छोड़ देते हैं, और जब महिला अपनी काबिलियत के दम पर खुद के पैरों पर खड़ी होती है तो उसे गिराने के लिए, दबाने के लिए, जान से मारने तक की धमकी तक दे डालते हैं। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि फरमानी नाज जैसी महिलाएं इस देश की उन महिलाओं में से एक हैं जिनको देखकर कई महिलाएं प्रेरणा लेती हैं। और ऐसी महिलाओं को जान से मारने की धमकी देने वाला, चाहे उनका पति ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर जरूर बताएं। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी खबरों को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीके न्यूज़ यूपी। धन्यवाद।